नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं 2011 बैच के IPS ऑफिसर श्री राहुल कुमार लोढ़ा सर से। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है पूना से, तो इंजीनियरिंग में जैसे कि हर किसी का एक सपना होता है कि भाई एक जॉब ले, जॉब लेके जो है वो कहीं पे विदेश में अपनी जॉब लग जाए और बढ़िया एक नौकरी की जाए। मगर उसी टाइम पे जानकारी में होगा कि 2008-07-08 के आसपास में फार्मर सुसाइड के इश्यूज चल रहे थे, और जैसे कि हर एक युवा वर्ग जो होता है थोड़ा बहुत पेपर पढ़ता है तो वो लोग डिस्कशन करते हैं कि अरे यार हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है इस तरीके से, तो हर कोई अपने सिस्टम को दोष देता है। तो वैसे ही हम लोग भी जो है, मैं मेरे दोस्त सब लोग बैठ के इस बारे में डिस्कस करते थे कि बताओ इस तरीके का फार्मर सुसाइड हो रही है, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स है, भ्रष्टाचार प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। तो हमारे साथ में एक लड़का था जो UPSC के बारे में जो है प्रिपरेशन के बारे में लगातार वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। उसने मुझे पहली बार बताया कि IAS ऑफिसर्स होते हैं जो एक बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, और समाज में अगर कोई डिसिसिव चेंजेस लाने हैं तो उस पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो डेफिनेटली कुछ अच्छे काम करने की ताकत रखता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग उस टाइम पे सर्च कर रहे थे, और फिर वो मन में आया कि नहीं यार, सिस्टम को दोष देके फ़ायदा नहीं है। अगर हमें लगता है एक्चुअल में कि गलत हो रहा है उसके लिए काम करना। सर, जैसा कि आप जलगांव एक छोटी जगह से आते हैं, तो आपको इस मुकाम को हासिल करने में सर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कौन सी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, किस किस जगह से स्टार्ट करें? एक्चुअली मेरे परिवार में मेरे माता पिता जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पिताजी जो है वो 12th तक पढ़े, मेरी मम्मी 8th में ड्रॉप आउट है, लास्ट स्कूल ड्रॉप आउट है, तो उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो मेरे भाई वगैरह जो थे, बड़े भाई भी थे, और इवन अदर आगे की फैमिली में, और मैं क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से आता हूँ जैन से, तो पढ़ाई लिखाई में जो है वो एक ये रहता था कि CA कर लो, फाइनेंस पे जाओ, उसके बाद में फिर दुकान पे बैठो। तो चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसको जो है वो हेड करना है उसके लिए। 2008 में मुझे अभी भी याद है कि अक्टूबर के माह में मैं दिल्ली पहुँचा, और उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे कोचिंग क्लासेस में जाके बात करने लग गया कि सर मुझे UPSC की तैयारी करनी है तो मैंने कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। आज भी मुझे याद है कि रविंद्रम सर होते थे वाजीरामन रवि क्लासेस के, तो मैं उनके पास में गया कि सर मुझे UPSC करनी है और मैं अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया हूँ, और कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो मुझे लेने चाहिए। तो सर ने भी मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। उनको भी समझ में आ गया कि अभी नया नया लड़का है, और हर कोई इंजीनियरिंग से किया हुआ लड़का जो था वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ सब्जेक्ट बता दिए जाते थे, तो मैंने भी पता किया उसके बारे में। एक चीज़ मैंने तब पढ़ पढ़ के फिर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया। मैं लेट हो जाता हूँ अक्टूबर तक, कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई थी, तो दिक्कत मेरे साथ ये हो गई कि अब मुझे कहीं कोचिंग क्लास ले ही नहीं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन किस कोचिंग क्लास को जो है ज्वाइन किया जाए। वहाँ पे इतना सारा क्योस मचा रहता था कि हर कोई अपना एक अलग ओपिनियन रखता था, तो तभी मैंने एक ये सोचा कि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। मैं हर क्लास के बाहर खड़ा हो जाता था, और जितने भी क्लास में से बच्चे आते थे सब लोगों से पूछता था कि भैया ये मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया हुआ है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मुझे कोई कोचिंग क्लास तो ले नहीं रही थी, अब मुझे करना तो सेल्फ फ्री था अगले 3-4 महीने। तो ऐसे मैंने कम से कम मुझे याद है कि 20-25 लड़कों से पूछा होगा, सब ने कुछ कुछ जो बुक्स बताई वो मैं लिखते जाता था। अब उन सब के बुक्स के अंदर जो कॉमन बुक्स थी वो मैंने मार्क कर लिया, और वो सारी बुक्स खरीद के मैंने अगले 3-4 महीने में बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई भी करी, सेल्फ स्टडी किया। और उसके बाद में फिर जब मैं और भी लोगों की कॉन्टैक्ट में आया तो धीरे धीरे मेरी जानकारी में आया, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की। मगर मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि जब आप प्रिपरेशन के लिए जाते हो दिल्ली में तो एक इशू ज़रूर आता है वहाँ पर कि आपको कहाँ से शुरू करें, ये कोई बताने वाला नहीं होता, और वही समस्या जो लगभग सब लोगों के साथ में होती है वही समस्या मेरे साथ भी रही। सर, काम के दौरान दिन भर आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। दिनचर्या सबसे पहले तो मैं बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी सुबह 6 बजे के आसपास उठ के गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, टेनिस, तो सुबह 6 बजे मैं टेनिस खेलने चला जाता हूँ, और लगभग 2-3 घंटे मैं टेनिस कोर्ट पर अपना बिताता हूँ, और उसके बाद में फिर वापस घर पे, घर में फैमिली के साथ में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो करता हूँ, वो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। 10:30-11 के आसपास मैं ऑफिस चला जाता हूँ, और उसके बाद में फिर ऑफिस में जो भी कंप्लेनेंट्स वगैरह है उनको सुनना, और जो भी डेली रूटीन में काम आते हैं उसका डिस्पोजल करना। अब ऑफिस के दौरान में बहुत सारी चीज़ें रहती है, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई तो वो पूरा अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर,
कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो तत्काल वहाँ पे पहुँचना है, और उसमें कोई ऑफिस आवर्स है नहीं, वो तो कभी भी हो सकती है, तो उसमें तो कभी भी हमारा रूटीन जो है वो चेंज होता है। मगर अमूमन ऑफिस में मेरा टाइम स्पेंड होता है 2 बजे के आसपास। मैं ट्राई करता हूँ कि रेगुलर रूटीन में मैं अपने फैमिली के साथ में लंच करूँ और उनके साथ में कम से कम 1 घंटा जो है वो बीच में टाइम स्पेंड करूँ। तो शाम को ऑफिस से आते आते मुझे 6:30 के आसपास जो है बच जाते हैं। फिर अगर शहर में कुछ राउंड लेना है या किसी थाने पे विजिट करनी है या और भी कोई ऑफिशियल काम है, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में जाना है, तो वो सब चीज़ें मैं अपने ऑफिस के बाद में कर लेता हूँ। फिर वापस घर पे, घर में आने के बाद में फिर मैं अपने बच्चों के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ और उनके साथ में डिनर करता हूँ, बातें करता हूँ उनकी, और बैक टू बैक इस तरीके से एक नॉर्मल रूटीन है। और बाकी अगर कोई अनसीन सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो फिर वो अलग से चलते हैं। आप अपनी तरफ से अगर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज सर। दर्शकों को खास करके सबसे पहले तो मैं जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ। मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे याद है कि आज भी मैं एक रूम में, एक थोड़ा सा रूम था, उसमें हम लोग बैठ के घंटों पढ़ाई करते रहते थे। तो एक सेंटेंस मेरी दीवार पर लिखा हुआ था, मैंने अपने हाथों से लिखा था उसको, कि सक्सेस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। सक्सेस जो है ना वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन नहीं। स्पॉन्टेनियस कम्बशन का मतलब बेसिकली जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे एकदम आप तिल डाल दोगे तो एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो सक्सेस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस कम्बशन, वो इस तरीके से आपको हासिल नहीं होता है। यू हैव टू सेट योर सेल्फ ऑन फायर, आपको आग में तपना पड़ेगा।